लास्ट वीडियो में हमने जो प्रणाली इक्वेशन था उसका एप्लीकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेंचुरी मीटर कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं ऑरिफिस मीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए हेडिंग से स्टार्ट करते हैं ऑरिफिस मीटर। इसका जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो होगा, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। ठीक है, तो अब हम लोग जैसा जानते हैं, अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये जो पाइप का डाया है उसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये जो ऑरिफिस का डाया है उसके हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा कि ये मेज़र करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये ऑरिफिस मीटर जनरली एक सर्कुलर प्लेट है, ये कह सकते हैं कि ये ऑरिफिस मीटर एक सर्कुलर प्लेट की तरह होता है जिसे हम किसी भी ट्यूब और पाइप में फिट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन की तरह ही ये पैसेज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। जहाँ तक बात है ऑरिफिस मीटर का, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑरिफिस मीटर इज़ वेरी सिमिलर टू वेंचुरी मीटर, वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं। जो ऑरिफिस मीटर होता है वो वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में सस्ता होता है। ठीक है, तो क्यों सस्ता होता है? वेंचुरी मीटर का जो अरेंजमेंट है और जो सेटअप होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और ऑरिफिस मीटर का जो सेटअप होता है और वो जनरली सस्ता होता है। सो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल और मेज़रमेंट का जो तरीका है वो वेंचुरी मीटर जैसा ही होता है। तो मेज़रमेंट का जो सेटअप है ऑरिफिस मीटर का, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ एक ट्यूब है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर का डिस्चार्ज रेट हमको मेज़र करना है। तो हम देख रहे हैं कि इस ट्यूब में हमने ऑरिफिस, एक ऑरिफिस को फिट किया है जिसका डायमीटर हमने स्मॉल डी लिया हुआ है। ठीक है, और ट्यूब का जो डायमीटर है वो है हमारा कैपिटल डी। इसमें
हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया है जिसमें मैनोमेट्रिक फ्लूड है, जिसकी जो डेंसिटी है वो है रो एम, और जो पाइप में फ्लूड बह रही है उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी रो। ठीक है, जब ये फ्लूड ऑरिफिस से पास होता है हम देखते हैं कि जो फ्लूड के पार्टिकल्स होते हैं वो डाउन स्ट्रीम, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। तो जो फ्लूड पार्टिकल्स है वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जब जाता है तब वो कन्वर्ज हो जाता है आपस में। जो उनका पाथ लाइन है, जो फ्लूड का पार्टिकल्स का पाथ लाइन है वो इस तरह का होता है कि एक दूसरे के पास आ जाता है। वहाँ पे हम लोगों को एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन, देखिए यहाँ पे एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन हम मान के चले हैं कि सेक्शन 2-2 में हमको मिनिमम क्रॉस सेक्शन मिनिमम क्रॉस सेक्शन वाला जोन मिलता है, जिसमें फ्लूड का है जो फ्लो है उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन हमको मिलता है। ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, इस सबसे जहाँ पे हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है उस जोन को हम लोग कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है उसका पोजीशन हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि वो कहाँ है। ठीक है, कि वो कहाँ होगा, तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का, इसका लोकेशन को फाइंड करने का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट कर करके अलग अलग फ्लो रेट पे रिपीट कर करके हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा की एक अप्रॉक्स पोजीशन, ठीक है, अप्रॉक्स पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेना कॉन्ट्रैक्ट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, मिनिमम क्रॉस सेक्शन हमने पर्टिकुलर केस में ये माना है कि सेक्शन 2 पे या सेक्शन 2 के तरफ हमें वेना कॉन्ट्रैक्टा मिला है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में हमने एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है। इन जनरल जो एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट है उसके हिसाब से सेक्शन 1 है वो ऑरिफिस जहाँ फिट होगा उसे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो ये ऑरिफिस प्लेट है और ये जो हमारा मैनोमीटर का ट्यूब है जो हमारा लेफ्ट लिम है, ये कितनी दूरी पे होगा, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा लगभग 1.5 to 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। अब जो हमारा राइट लिम होगा, जो हमारा राइट लिम होगा वो भी हमारा जो इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये भी हमारा होगा 0.5 टाइम्स द डाया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ इतना इतना दूरी पे होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं,
अब जो है ऑरिफिस मीटर है उसके लिए जो डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए हम लोगों को बर्नौलीज़ इक्वेशन का यूज़ करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ सपोज़ करना होगा। जब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, जैसे लेट P1 इक्वल्स टू प्रेशर एट सेक्शन 1 V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1 A1 एरिया एट सेक्शन 1 एंड P2 V2 A2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 1 का है, उसी तरीके से ये सेक्शन 2 का होगा। अब हम लोग इन दोनों सेक्शंस पे 1 और 2 पे बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बाय अप्लाइंग बर्नौलीज़ इक्वेशन ऑन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वी गेट क्या होगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। ये सेक्शन 1 के लिए हो गया। उसी तरह P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर हेड एक साथ कर देंगे और वेलोसिटी हेड को यानी काइनेटिक हेड को अलग कर देंगे, मतलब दूसरी तरफ कर देंगे। P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक हेड। ठीक है, और पीजोमेट्रिक हेड को हम लोग डिनोट करते हैं H स्टार से। तो अब हम लोग देखेंगे पीजोमेट्रिक हेड था जिसको हम लोग डिनोट किए थे एच से। कहीं कहीं पे बुक पे आपको ये एच स्टार करके भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2 इसको हम लोग कहेंगे एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एच इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। और हम कह सकते हैं, और अगर यहाँ का एलसीएम ले लेते हैं तो एच इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या होगा इसको इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, अब हमको यहाँ पे अगर V2 निकालना है तो और V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH माइनस सॉरी प्लस V1 स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से V2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2GH प्लस V1 का स्क्वायर। अब हम लोगों को ये V1 और V2 के बीच में एक रिलेशन आ गया, तो जनरली हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोग ले आए हैं। यहाँ पे H को हम लोग डिफरेंशियल हेड भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे आपको H भी दिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे यह आपका H1 स्टार माइनस H2 स्टार हम लोग H स्टार से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे आप ये भी मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से हम लोग अगर V1 निकालना चाहें तो A2 V2 बाई V1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। 2 मान के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से अगर हम V2 निकालना चाहें तो हम लोग क्या करने पड़ेगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1 तो वी गेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH प्लस V1 यानी A2 V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, यही होगा।
तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वी टू का यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया, और इसको हम लोग मान के चले इक्वेशन थ्री। अब मानते हैं हम लोग लेट ए ज़ीरो या ए ओ क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। और एक टर्म है सी सी, कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो ए ज़ीरो है एरिया ऑफ ऑरिफिस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोफिशियंट यानी कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू ए टू बाई ए ज़ीरो, जो हमारा सेक्शन टू, ये जो हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा बना था सेक्शन टू पे, जो एरिया आया था हमारा वो हमारा ए टू था, और ए ज़ीरो हमारा क्या था, जो हमारा यहाँ पे एरिया था। ए ज़ीरो विल बी द एरिया ऑफ ऑरिफिस, और ए टू जो हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा पे था। तो इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम ए टू निकालना चाहें तो ए टू हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू ए ज़ीरो। तो ये हमारा एरिया का एक रिलेशन हो गया, एरिया ऑफ ऑरिफिस और एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फोर। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर वी गेट वी वन इक्वल्स टू ए टू की जगह पे हम लोग इसको रख देंगे सी सी इंटू ए ज़ीरो इंटू वी टू अपॉन वी वन। तो ये हमारा क्या हो गया, वी टू वी वन इन टर्म्स ऑफ सी सी, ये जो आया हमारे पास ये होगा वी वन इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम इसको पुट द वैल्यू ऑफ वी वन इन इक्वेशन वन, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, वी टू मिल जाएगा इक्वेशन वन। तो हम क्या करेंगे, वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच प्लस वी वन स्क्वायर। दिस इम्प्लॉयज वी टू इक्वल्स टू रूट अंडर वी वन स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो वी वन तो हमारे पास नोन है, तो पुट करते हैं इसको हम लोग, तो वी टू इक्वल्स टू रूट अंडर सी सी, सी सी का स्क्वायर इंटू ए ज़ीरो का स्क्वायर इंटू वी टू का स्क्वायर, ठीक है, बाय, सॉरी यहाँ पे ए वन होगा, तो ये हो जाएगा ए वन का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए वन होगा, तो ए वन का स्क्वायर ये हो गया वी वन प्लस टू जी एच, यहाँ पे हो गया। तो ये जो है हमारा, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू सी सी स्क्वायर इंटू ए ज़ीरो स्क्वायर इंटू वी टू का स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या होगा, दिस इम्प्लॉयज वी टू स्क्वायर माइनस ए ज़ीरो बाई ए वन का स्क्वायर इंटू कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का स्क्वायर इंटू वी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। इसको कॉमन लेते हैं, वी टू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये होता है वन माइनस ए ज़ीरो अपॉन ए वन का स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, और वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच डिवाइडेड बाई वन माइनस ए ज़ीरो अपॉन ए वन का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे वी टू को कह सकते हैं वी टू इक्वल्स टू रूट अंडर टू जी एच डिवाइडेड बाई वन माइनस ए ज़ीरो अपॉन ए वन का स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्चार्ज
डिस्चार्ज यानी क्यू जो होता है वो होता है A2 into V2। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज लिखे भी थे तो क्या होगा, A2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A0 into CC into V2 जो हमारे पास था, सिंस A2 equals to A0 into CC फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, तो डिस्चार्ज जो होगा क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा A0 into CC √2GH डिवाइडेड बाय √1 minus A0 upon A1 square into CC square। ठीक है, एक फार्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज मस्ट बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इनटू 1 minus A0 upon A1 square √1 minus A0 upon A1 square into CC square। ये आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो जब हम लोग इसमें सीसी का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीसी का टर्म नहीं रखना है, सारों को हमको कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज के टर्म में रखना है, तो CD इंटू √1 minus A0 upon A1 square into CC square डिवाइडेड बाई 1 minus A0 upon A1 square अभी √ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ CC इसको इक्वेशन कितना है 5 मानते हैं, तो इक्वेशन 5 वी गेट क्यू इक्वल्स टू A0 into CD इंटू √1 minus A0 upon A1 square into CC square डिवाइडेड बाय 1 minus A0 upon A1 square √2GH डिवाइडेड बाय 1 minus A0 upon A1 square into CC square। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, क्यू इक्वल्स टू CD into A0 into √2GH डिवाइडेड बाय 1 minus A0 by A1 square √2। यहाँ पे अगर LCM लेते हैं तो ये हम लोग हो जाएगा CD into A0 into √2GH डिवाइडेड बाय A1 square minus A0 square by A1 square अभी √2। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो Q equals to CD into A0 into A1 into √2GH डिवाइडेड बाय √A1 square minus A0 square। यहाँ पे CD जो है वो है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, फॉर ऑरिफिस मीटर दी CD इज मच स्मॉलर देन दैट फॉर ऑरिफिस मीटर।